सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज यार आप सभी के वजह से ही हमारे चैनल ने कल 80,000 का माइलस्टोन कंप्लीट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यार हम यहाँ तक आ पाएंगे। सो सबसे पहले तो यार दिल से शुक्रिया आप सभी का, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। अब आज की इस वाली वीडियो में मैं 50,000 रुपीज़ का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल का गेमिंग पीसी बनाने वाला हूँ हमारे YouTube सब्सक्राइबर के लिए, जो कि है नीले रावत भाई। ये अपने गुजरात से ही हैं। एंड इनकेस अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी वीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप यार हमारी Instagram आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया, इधर फ्लैश हो रही होगी। साथ ही साथ में आप लोगों को आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जाओ फटाफट से मैसेज करो ताकि आपके घर पे भी एक ऐसा बेहतरीन सा पीसी पहुंच पाए। एंड गाइस, मैसेज करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा दो, साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे रख के जाना, ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को फ्यूचर में मिलती रहे। सो कंपोनेंट्स की बात करें तो प्रोसेसर के लिए गाइस इस वाले बिल्ड में मैंने यूज किया है राइजन 5 3500X। आप लोग सोच रहे हो कि यार काफ़ी ज़्यादा 3500X आप यूज़ कर रहे हो आजकल के बिल्ड्स में, तो इश्यू ये है कि अभी ज़्यादातर यार अपना लॉकडाउन का सीन है एंड आगे से जो पार्ट्स है वो आ नहीं रहे। हालांकि इस वाले बिल्ड में हम पहले 3500 यूज़ करने वाले थे, बट यार वो वाला प्रोसेसर मिला नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने 3500X लगाया है, जो कि थोड़ा सा महंगा है बट स्टिल उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। स्पेक्स की बात करूं तो 3.6 GHz की बेस क्लॉक एंड 4.1 GHz तक की बूस्ट क्लॉक ऑफर करवा देता है। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 6 कोर एंड 6 थ्रेड्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग भी करना चाहते हो ना तो आप इस पे आराम से कर सकते हो, अगर आप इसके साथ एक अच्छा सा डेडिकेटेड GPU पेयर कर देते हो तो। अब इस वाले प्रोसेसर के साथ गाइस जो प्राइस का सीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बिकॉज ये वाला जो प्रोसेसर है हर जगह अलग प्राइजेस पे बिक रहा है। मेरे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में मैंने इसको 14,500 के आसपास परचेस किया था। अमेजोन पे मैंने चेक किया तो भाई 18,000 रुपए में बेच रहे हैं अमेजोन के सेलर्स, क्या ही सस्ते नशे करके मतलब आते हैं यार वो लोग, समझ में नहीं आता है। हालांकि आपके सिटी में ये वाला प्रोसेसर कितने में मिल रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब इस बिल में ग्राफिक कार्ड का सीन भी यार काफी अजीब हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमसे भाई ने बोला था 1650 सुपर के लिए, बट 1650 सुपर का जो अगला स्टॉक आने वाला था वो काफी ज्यादा डिले हो रहा था एंड काफी ज्यादा महंगा भी हो चुका था वो वाला कार्ड। इसकी वजह से यहाँ पे हमने 1650 लगाया है आसूस की तरफ से आने वाला फोनिक्स एडिशन, जो कि 4GB की GDDR5 वाली VRAM ऑफर करवा देता है। एंड प्राइस भी इसकी अभी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है भाई, 24,000 के आसपास ये वाला कार्ड मिलेगा आप लोगों को। एंड 1650 के लिए 24,000 काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, बट अभी का सीन आप लोगों को पता है कार्ड की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो यार अब जिसको बिल्ड करवाना है उसके पास तो ज़्यादा कुछ ऐसे ऑप्शंस बचे नहीं है। बिकॉज इसके अलावा अगर बात करें तो या तो 1650 सुपर या तो RX 570 मिलता, एंड दोनों ही कार्ड यार मार्केट में मतलब मार्केट से गायब भी हो चुके हैं, विलुप्त हो गई है भाई इनकी प्रजाति ऐसा लग रहा है। एंड जहां पे मिल रहे हैं तो यार मुंह मांगा प्राइस दे रहे हैं लोग उसके लिए। हालांकि इस वाले कार्ड की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वीडियो के एंड में बेंचमार्क मैंने इंक्लूड किए, देख लेना। अगर आप हाई टू मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग करना चाहते हो तो ज़्यादातर गेम्स में 60+ FPS आपको निकाल के दे सकता है, एंड GTA VTA में तो यार आपको 100+ इस वाले कार्ड के साथ मिल जाएगा। मदरबोर्ड वही यार आप सभी का फेवरेट, जो कि बजट में काफी बढ़िया से यार फीचर्स लेके आता है। ASRock का B450 MST लेजेंड यूज़ किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन मदरबोर्ड है। पर्सनली ये वाला जो मदरबोर्ड है बजट सेगमेंट में यार मेरा फेवरेट मदरबोर्ड है, उसके काफ़ी सारे रीजन्स है। सबसे पहले रीज़न ये है कि ARGB हेडर के साथ आता है। जनरली इस वाले बजट में आपको ARGB हेडर के साथ काफ़ी कम मदरबोर्ड्स देखने मिलते हैं, तो उनमें से ये एक मदरबोर्ड है। साथ ही साथ में 4 रैम स्लॉट, NVMe का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड जो है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ आता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ में इसके अंदर भी आपको RGB का टचअप देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड अगर आप लोगों को ये वाला बिल्ड 50,000 के अंदर ही कंप्लीट करना है तो आपको इसमें A320 मदरबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके यार 2 से 2,500 रुपये बच जाएंगे, एंड उन पैसों को आप एक अच्छे ग्राफिक कार्ड के ऊपर लगा सकते हो। प्राइस की बात करूँ तो गाइस ये वाला मदरबोर्ड आपको यार 8,000 से लेके 8,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। इनफैक्ट इस वाले बिल्ड में मैं जो भी पार्ट यूज़ कर रहा हूँ सारे ही पार्ट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहां से जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई को थोड़ा सा RGB का टचअप चाहिए था, तो उसकी वजह से इस वाले बिल्ड में हमने 8GB का 3200 MHz का RGB रैम यूज किया है, जो कि आता है HyperX Fury की तरफ से। एंड ये वाली जो रैम है हीट सिंक्स के साथ आती है, साथ में थोड़ा सा RGB भी इसके ऊपर आपको देखने मिल जाता है। एंड प्राइस की बात करूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला, अराउंड 4400 के आसपास हमको 8GB का सिंगल स्टिक पड़ा है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। बट अगर इसकी जगह आप नन RGB रैम लेते हो ना
थोड़ा बहुत पैसे बचाने के लिए, तो आप XPG का रैम ले सकते हो जो कि अराउंड आपको 3800 के आसपास मिल जाएगा। स्टोरेज के लिए गाइस यहाँ पे मैंने 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज़ की है WD की, एंड हमारी विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए 240 GB का SSD भी लगाया है। बट अगर आप ये वाला बिल 50,000 में कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको खाली 1 TB के स्टोरेज से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यार SSD भी लगाओगे तो ये वाला बिल्ड आपके बजट के बाहर चला जाएगा। देख लेना, अगर आप बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो आप SSD भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमारे नीले भाई को SSD भी चाहिए था, इसकी वजह से हमने SSD भी लगा दिया है। PSU के लिए गाइस यहाँ पे मैंने 550 वाट का PSU लगाया है, GigaByte का, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU है। हालांकि हमारा जो ग्राफिक कार्ड है ना 1650, ये तो यार खाली PCI स्लॉट से ही पावर ले लेता है, तो मतलब ज़्यादा इसका पावर कंजप्शन नहीं है, पावर हंग्री कार्ड नहीं है। तो अगर आप लोग थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो तो इस वाले बिल्ड में 450 वाट का PSU भी लगा सकते हो। बट इन फ्यूचर अगर आपको कुछ अपग्रेड्स करने हैं, कोई पार्ट वार्ट आप अपग्रेड करने की सोच रहे थे, या फिर कोई अच्छा सा GPU भी लगाओगे फ्यूचर में जब यार प्राइस स्टेबल हो जाए GPU की, उन सिनेरियोज में आप 550 वाट का PSU भी लगा सकते हो, ताकि जब आपको अपग्रेड करना हो तो उस टाइम यार आपको PSU चेंज ना करना पड़े। हालांकि इस वाले GigaByte के PSU की बात करूँ तो ब्रीडेड केबल्स के साथ आता है, एंड प्राइस भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं, अराउंड 3500 के आसपास आपको इजीली देखने मिल जाएगा। अब कैबिनेट में गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट कैबिनेट यूज़ किया है। हमारे नीले भाई को एक वाइट कैबिनेट चाहिए था, साथ ही साथ में एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा चाहिए था, तो इसकी वजह से इस वाले बिल्ड में हमने नो डाउट का Montec X Air ARGB कैबिनेट यूज़ किया है, जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है। बट फीचर्स की बात करूं तो यार सबसे पहले तो इसमें हमको फ्रंट में 200-200 mm के दो ARGB फैंस देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ में फ्रंट का जो डिज़ाइन है ना भाई मेस है, एंड इसकी वजह से एयर फ्लो तो यार काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे इस वाले कैबिनेट का। हालांकि प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 6300 के आसपास ये अमेजोन पे सेल हो रहा है, एंड पर्सनली ये वाला केस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाए। तो फीचर्स भी गिनवा देता हूँ, साथ ही साथ में यार इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है, PSU श्राउड देखने मिल जाता है, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट के लिए भी एक फैन देखने मिल जाता है जो कि 120 mm का ARGB फैन है। साथ ही साथ में यहाँ पे पीछे आपको फैन हब भी देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहो तो और भी फैन इंक्लूड कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप 240 mm तक का रेडिएटर भी माउंट कर सकते हो, एंड फ्रंट में जो 200 mm के दो ARGB फैंस है ना, इन दोनों फैंस की वजह से गाइस एयर फ्लो इस वाले केस के अंदर काफी अच्छा खासा मेंटेन रहता है, थर्मल्स काफी अच्छे खासे निकल के आए थे मैंने जब यार स्ट्रेस टेस्ट रन किया था, तो काफी ज्यादा तारीफ कर दी मैंने इस वाले केस की। अगर आप लोगों को ये वाला केस परचेस करना है तो यार लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हो। बट गाइज आप लोगों को ये वाला कैबिनेट नहीं यूज़ करना इस वाले बिल्ड में, नहीं तो भाई आपका बजट फिर से यार बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आप नॉर्मल 3000 के आसपास या फिर 2500 के आसपास कोई केस यूज़ कर सकते हो। कुछ केसेस की बात करें तो यहाँ पे आप चिप्ट्रॉनिक्स का MX4 ले सकते हो, जो कि 2500 के आसपास आ जाता है, काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पे IS211TG ले सकते हो, या फिर आप IS200TG भी ले सकते हो, जो कि 3000 के आसपास देखने मिल जाएगा। एंड इन तीनों ही केसेस में से आप कोई भी केस चूज कर सकते हो, ताकि ये वाला बिल्ड आपके बजट में कंप्लीट हो जाए, यानी 50,000 के आसपास। तो इसी के साथ गाइस ये वाला बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड अब फटाफट से इस वाले PC को बिल्ड कर लेते हैं, एंड एट द एंड आप लोगों को बेंचमार्क भी देखने मिल जाएंगे। In a life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to. I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. Insecurity's rolling me now. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got in oh so dark, goes so dark. A life that falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. Get a chance to find the right answers. I mean, I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say you only get one chance, so I gotta work hard to try and find a life. Torn apart, I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back?
back to the start. Yeah, press rewind. Get a chance to find. I hope somewhere down the line I'll be able to find the light, the light, the light in the life that got in. Dark goes to dark, life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. तो बस गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड साथ ही साथ में पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड बिल्ड करवाना है तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, टेक कम्युनिटी इंडिया, यहाँ पे आईडी फ्लैश हो रही होगी। मैं विवेक मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.